मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। सिखाया, ज्वेलरी दिलाया, खुद ईद हुए थे, मतलब अच्छे बुरे में नहीं पहना, अपनी हेल्थ, बच्चा कैसा था मेरा कैसा हो गया, मगर परिवार को अच्छी तरीके से देखा, मगर उनकी बीवी को मोबाइल के सिवा कुछ नहीं होना, मोबाइल के ऊपर जी हो, सब झूठ है, एग्जाम सब झूठ है, सब इंक्वायरी करके आप लोग तहकीकात करके जिसकी गलती है उनको सजा दे सकते। इतने झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली वाला है, बच्चा यहाँ का है, ऐसा कुछ नहीं है। अंजनी कुमार से और महमद अली साहब से गुजारिश है कि सब इंक्वायरी करिए, जिसका कसूर है उनको सजा दीजिए। मेरी जान 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 कर रहा ना मेरे सामने, इस वजह से बोला। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा कुछ सुना तो नहीं सुने। अदमे रसूल में जैसे लोग आए ना, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूँ सुने, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ शुरू से मैं आपको चाहता हूँ, बल्कि एक बार नहीं 10 बार बोला तुम्हारा, मगर फिर भी तुम जान करे मेरी गांड जलाए सुने आप, मगर ये हरकत मैं नहीं करता हूँ आपके साथ सुने। दिल से बहुत अच्छा है आपको क्या मालूम, दिल से बहुत अच्छा है, काला रहने दो, दिलावा रहने दो, पैसा भी रहने दो, दिल का बहुत बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे। बात की एक बात यार, हूँ मैं तुम्हारा कुछ चाहता हूँ सुने, मैं तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ, तुम मिलते नहीं मिलते वो जितना बोल दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अहमद है। कल मेरे ख़िलाफ़ एक न्यूज़ वायरल कर रहे लोग, मेरे ससुराल वाले, उनके ख़िलाफ़ कुछ बयान करना चाह रहा हूँ मैं आपका। और ये बयान करने की वजह क्या है बोले तो, मैं वक्फ बोर्ड में एक कंप्लेंट फाइल करा था, ये इसका स्टेटमेंट है जो भी मैं फाइल करा था इसका, और ये कॉपी से FIR कॉपी है। जो अलम मिस हुआ था 2016 में, एक अलम मिस हुआ था उसके, वो मैं देखा हुआ था उसमें। वो लोग क्या बोले कि मैं दूसरे को एक बात पूछ रहा है कि चीज़ कहाँ जा रही, वो बोले कि पॉलिश करने भी जा रहा हूँ मैं, उसको पॉलिश करके फिर रिटर्न मंगाता हूँ मुझे बोले थे। क्या ताल्लुक है वो आलम से? वहाँ उन्होंने मुजावे रहे, वहाँ पर मीर साबिर अली नाम है उनका, उन्होंने मुजावे रहे वहाँ पर, उनके अंडर में है सब कुछ। ये उनको ये जो चीज़ हटाना रहता वो CCTV क्लोज करके, वो जब वो चीज़ हटाते, वो हटने के बाद घर में फ़ोन करके बोलते के बाद आता कि मैं चीज़ हटा दिया, कैमरे ऑन कर लो। और उससे पहले 7 kg का चांदी का नारियल मिस हुआ था, वो निज़ाम के दौर का है, एंटिक पीस है वो। मैं बोला वो चीज़ कहाँ है, तो तुम्हारा पूछने का क्या है इसके बारे में? क्या कंप्लेंट दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम कंप्लेंट देके आ रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में डायरेक्ट देके आया। वहाँ से क्या एक्शन हुआ? वहाँ से इनके ऊपर एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद ये लोग मेरे को ढूंढते फिरे 2 दिन तक। कल अचानक ये लोग मेरे पर हमला करे, मारने के, मेरे घर पे आके हमला करे। मेरे दो साले आए थे और एक साजिद अली नाम है उनका, मीर आमिर अली एक है, और एक इम्तियाज नाम है उनका जी, दूसरे भी आए थे, मीर साबिर अली नाम है उनका, और दो चार लेडीज़ आए थे उसमें। चारों लेडीज़ का नाम है, एक शहनाज बेगम नाम है उसमें, एक तैयबा बेगम नाम है, शाइन बेगम नाम है, एक आमिना बेगम नाम है। आपकी बीवी कुछ नहीं बोली इसके अंदर? नहीं, उन्होंने भी इन्वॉल्व है सब, उन्होंने भी मारे मेरे को, उन्होंने भी पत्थरों से मार रहे हैं, जो हाथ को मार रहे हैं, यहाँ तक तो बात आता हूँ कि हाथ में लोहे का आइटम था एक, उसे भी मारे उन्होंने। ये जो अलम जी, अलम गोल्ड का है साहब ये, और 1 kg मिनिमम है वो, खदमे रसूल में लाके रखे थे वहाँ पर। जिसका अलम है उन्होंने बाबा पूछे भी मिस होने के बाद, ये चीज़ कहाँ गई, उन्होंने बोले मेरे को नहीं मालूम चीज़ बोल के, उन्होंने जाके FIR करे उसकी 2016 में, उसकी FIR कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने नहीं मालूम बोल रहे हैं उसके बारे में। RMS न्यूज़ चैनल पर वायरल भी हुई उनकी न्यूज़, उसमें उन्होंने 2 बार टॉपिक चेंज कर रहे हैं उसमें, ये उसका FIR कॉपी है।
तो ये आप कंप्लेंट करने की वजह से आपके ऊपर हमला हो जी। हाँ, 2016 के बाद अब क्यों कंप्लेंट करेगा सर? ये मैटर क्या है बोले तो मेरे पास फैमिली इशू कर दिए हूँ, ये चीज़ मेरे को मालूम होने की वजह से कि मेरी वाइफ को क्या करे कि तुम इनके खिलाफ जाके कंप्लेंट लगाओ कि ये चीज़ में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं होते बोल के मेरे पर प्रेशर डाला इन्होंने। प्रेशर डालने के बाद उन्होंने मेरे वाइफ जाके वुमेंस पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेंट लगाई कि मैं उनको मार रहा हूँ कर रहा हूँ गाड़ी के लिए फोर्स कर रहा हूँ सब। मैं बात आता हूँ हर जगह घुमाया करा, मेरे पास प्रूफ्स है पूरे, उनका एक जगह FIR भी चल रहा है, उसके रिकॉर्डिंग से मेरे पास हर चीज़ है मेरे पास, और ये लड़ाई में मेरा फ़ोन छीन के लेके चले गए लोग। अभी जो एक दो दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई आपके तालुक जी, क्या आप जो है टॉर्चर कर रहे हैं? सब झूठ है सर, मेरे पास हर रिकॉर्ड है मेरे पास। कितने साल हो रहा आपकी शादी में? मेरी शादी होगी 11 साल हो रहा। मेरे को 2 बेटियां हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी बेटियों का जो भी है अच्छे से देखभाल कर सकूँ मैं, और उनको रखना चाह रहा हूँ। उन्हें छोड़ने के लिए बार बार बोल रहे हैं, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। उनका अफेयर चल रहा है सर, मेरे को छोड़ने के बाद उन्हें दूसरे के साथ लगना चाह रहे हैं। मेरे पास बाजाबा रिकॉर्डिंग्स है और हर चीज़ है मेरे पास, और वो एक वीडियो भी है मेरे पास उनका, मेरा जो फ़ोन छीन के ले गए उसके अंदर वीडियो है मेरा। इनके जो जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा डाटा बैकअप है उसके अंदर। तो पुलिस को रिस्पांस मिला? रिस्पांस तो कुछ भी नहीं मिला सर, खाली उन्होंने पेटिशन कॉपी करके दे दिए मेरे को, जो भी है कार्रवाई कर देंगे आप जाओ बोल के भिजा दिए मेरे को। अभी आपकी वाइफ कहाँ है? अभी उनके घर पे है सर। कितने दिन से? उन्होंने कम से कम 1 महीने से है। आपके बात हुई? अभी तो कुछ भी बात नहीं हो रही सर। आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे कुछ बोल रहे? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे सर, उल्टा उनके तैयबा बोल के भाभी है उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और उनके गलत ताल्लुक है। आप क्या चाह रहे हैं, छोड़ देना चाह रहे? नहीं सर, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, उनको लाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग आपस में बैठ के भी इसका सलाह मशवरा कर सकते हैं? नहीं वो लोग नहीं चाह रहे सर, इससे पहले ट्राई करा मैं, इससे पहले भी मेरे वालदा के ऊपर हमला करो। रोज़ नया FIR लिखा रहे हैं, कभी राइन बाज़ार में, कभी चंद्रान बुट्टे में, कभी वो मीर चौक में, जिधर वुमेंस पीएस में 1 साल से केस है। कोई इज्जतदार बच्ची पुलिस स्टेशन नहीं जाती, बड़ों को बोल के शॉर्ट आउट करती। हम उनके शादी में इन्वॉल्व नहीं है, हम इनका कोई मसले में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम बेहतरी से समझाए, मगर वो बच्ची रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बच्ची के वालिद साहब जो बच्चे के बारे में बोल रहे हैं मेरे के पैसे हर टाइम लेता था, बेल्टों से मारता था, आप इंक्वायरी कर सकते हैं जिस घर में वो बच्चा रहा, मकानदारों से पूछ सकते कि कितनी बार मारा और कितने पैसे मंगाया, बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते। मेरा इकलौता एक बेटा है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे थे, तन्हा बच्चे को देख के उन्होंने शादी करे, हम शादी में इन्वॉल्व नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास ये शादी के ये पेपर के साथ में ये रुखा आया 2011 में 24-25 या कुछ डेट को मार्च में नवंबर में कुछ शादी करे, और उसके साथ में ये लीगल पेपर भेजे हमारे पास के एजाज अहमद के और शनाज बेगम के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, नहीं तो हम किसी तरीके से भी एक्शन ले सकते। तो जब ये देखने के बाद में ये पेपरों पे रिश्ते नहीं होते, दिलों से होते, अब जब मैं ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए तो वो बच्ची नहीं आई। और मैं फिर मेरी सास का इंतकाल हुआ था, मैं गांव में गई थी, मैं आने के बाद में मैं बच्चे को कॉल करी आके ले जाओ, हम गम में थे। तो जब मेरा बच्चा मेरे पास आया लेने हमारे नामपल्ली स्टेशन पे, वीडियो वायरल हो गई, इसके अंदर जमीन का भी जिक्र चल रहा है। जमीन भी नहीं, जमीन उन्होंने नहीं दिलाया साहब, जमीन मैं अपने पैसों से लिया, मेरा कलाम में पास हाथ में लेके उनको बोल दो बोलो हम छोड़ देते। बैंक स्टेटमेंट में लाके भी शो कर सकता हूं। आप दिलाए उनको? बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। किसके नाम पे जमीन? जमीन उनके नाम पे सर, उन्हें फोर्स करने पे मैं उनके नाम पे करा हूं जमीन। नोटरी है, रजिस्ट्री है। कहां पे जमीन? ये शमशाबाद से 12 किलोमीटर अंदर है सर। बच्चा स्कूटी एक्टिवा चलाने सिखाया? हाँ, बच्चा बोलते थे जो डिमांड करती थी वो बच्ची वो दिलाता था। हमारा एक अकेला बच्चा है, हमारे हम भी सपोर्ट करते थे, मम्मी परेशान हूँ बोले तो मैं भी बिजनेस करती हूँ, मैं भी सपोर्ट करती थी, मगर हम किसी को शो नहीं करते प्रूफ देने में। हमारे अपने बच्चे की सपोर्ट करें तो हमारे को जरूरत क्या है किसी को? मेरे को गवर्नमेंट अंजनी को हमारी अवाम से सबसे गुजारिश है कि अंजनी कुमार सर तहकीकात करे, इंक्वायरी करे अच्छी तरीके से, जो कसूरवार है उनको। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और
लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।